का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महोत्सव का किया शुभारंभ। टर्की, नाइजीरिया समेत कई देशों की कंपनियों ने भी लिया भाग। उत्तराखंड में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी। सोशल मीडिया को भी और ज्यादा मजबूत करने की कवायद तेज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की विभागीय अधिकारियों के साथ पेयजल विभाग की समीक्षा। कहा पेयजल योजनाओं की टेंडर प्रक्रिया 15 नवंबर तक पूरी होगी। उत्तराखंड आगामी चुनाव को लेकर आपका सियासी चाल। 25 सितंबर से उत्तराखंड में रोजगार गारंटी यात्रा निकालेंगे कर्नल अजय कोठियाल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बड़ा बयान। कहा भाजपा के कई नेता कांग्रेस के संपर्क में है। 15 दिन में हो सकता है बड़ा निर्णय। खराब आर्थिक हालत से गुजर रहा है उत्तराखंड का रोडवेज। 800 कर्मकों को देगी वीआरएस प्रतिमा वेतन का 25% भुगतान के आदेश। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अक्षय पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के सेबों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए। देहरादून में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन रेंजर कॉलेज ग्राउंड में किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस महोत्सव में शामिल थे और उन्होंने इसका शुभारंभ किया। और 25 से 26 सितंबर तक ये महोत्सव चलेगा और महोत्सव में टर्की, नाइजीरिया समेत कई देशों की कंपनियों ने भी इसमें भाग लिया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि इस महोत्सव से उत्तराखंड के सेबों को मार्केटिंग के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और साथ ही किसानों की आय को दोगुना करने में भी इससे मदद मिलेगी। देखिए, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है हमारे यहाँ कृषि विभाग के द्वारा। निश्चित रूप से ये हमारे यहाँ पर जो सेब का उत्पादन करने वाले हैं, सेब की नई प्रजातियों को यहाँ पर उत्पादित करने के लिए जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार अनुसंधान कर रहे हैं, उन सभी को इससे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। और हमारा प्रयास है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, बागवानी के क्षेत्र में हमारा उत्तराखंड हिंदुस्तान का नंबर वन राज्य बने। उत्तराखंड में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। इसी के तहत सोशल मीडिया को भी भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूत कर रही है और पार्टी ने मीडिया को मजबूत करने के लिए 1 दिवसीय मीडिया कार्यशाला का भी आयोजन देहरादून में किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप जलाकर कार्यशाला का शुभारंभ किया और कार्यशाला में राज्यसभा सांसद अनिल बलनी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि आज के समय में सोशल मीडिया बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पार्टी का पक्ष सही तरीके से जनता के बीच में जाए, इसको देखते हुए कार्यशाला आयोजित की गई है जिसमें सोशल मीडिया के प्रभारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अनुरोध कर रहा हूं हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी पूर्व सांसद श्री बलराज पासी जी से कि कृपया वे मंच पर आएं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। राजेश कुमार जी प्रवक्ता, उनसे मैं अनुरोध कर रहा हूं कि वो कृपया आएं और हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री कुलदीप कुमार जी को पार्टी का पक्ष जाए, सरकार का पक्ष जाए, उसके लिए लगातार समय समय पर इस प्रकार की वर्कशॉप होती रहती है और इसमें हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से भी, प्रदेश नेतृत्व से भी और प्रदेश के विभिन्न कोनों कोनों से लोग आए हैं जो लगातार इस कार्यशाला में भाग लेंगे और जो पार्टी की नीतियां हैं, सरकार की नीतियां हैं, सबको लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे, जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। सभी को सभी के बीच में आके हमने भी शुभकामनाएं दी हैं कि वो और अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व के लोग आएंगे, इसका उद्घाटन सत्र था। उद्घाटन सत्र के बाद अभी इसमें टेक्निकल सत्र होंगे पूरे और एक मीडिया एक महत्वपूर्ण चुनाव की दृष्टि से पूरा काम करने वाला है। आज मीडिया को नए टिप्स हमारे अन्य लोग भी देंगे, एक्सपर्ट लोग। और आज के बाद चुनाव की दृष्टि से जो एक महत्वपूर्ण हम बदलाव देखेंगे खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की मीडिया में, वो हमें नज़र आएगा। और मीडिया एक हमारा सशक्त माध्यम है हमारी योजनाओं को, हमारी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का, अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक वो सारी पहुंचे।
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते नेताओं की बयानबाजी और दावे भी तेज हो गए हैं। दरअसल राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी का यह दावा है कि कांग्रेस की बड़ी संख्या में नेता बीजेपी को ज्वाइन करना चाहते हैं। अनिल बलूनी ने यह भी दावा किया है कि कांग्रेस के नेताओं की इतनी संख्या है कि बीजेपी को हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पलटवार करते हुए कहा है कि अनिल बलूनी बताएं कि वर्तमान में कितने मंत्रियों और विधायकों को दोबारा टिकट देने वाले। बीजेपी ने बीते 5 सालों में कोई विकास के कार्य नहीं किए, जनता मन बना चुकी है और 2022 में बीजेपी को सबक भी सिखाने जा रही है। देखिए, चुनाव की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कोई तैयारी कम नहीं रखने वाले, हमारी पूरी तैयारियां चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बने उसके लिए हम कोई कोर कसर में नहीं छोड़ने वाले और हम पूरी तरह से कंफर्टेबल भी हैं। आप देखिए, आज कांग्रेस के अंदर अगर हरीश रावत जी और एक आध व्यक्ति को छोड़ दिया जाए तो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए ललायित है। हमको तो हाउसफुल का वोट लगाना पड़ रहा है, हम कह रहे भाई इतना नहीं ले पाएंगे, लेकिन हरीश रावत जी और उनके एक दो नज़दीकी लोगों को छोड़ के प्रत्येक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए उत्सुक है। बड़े नेताओं के साथ मेरी एक चैनल में 1-to-1 एक बहस है, मैं उसमें भी कहूँगा और आपके चैनल पर भी कहना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ये बताए ना कि वर्तमान में कितने मंत्रियों को और कितने विधायकों को टिकट दोबारा देने वाली है, ये बताए, और उसके बाद देखिए कि उनका हाउस कितना फुल है और कितना खाली है। क्या भारतीय जनता पार्टी में इतनी हिम्मत है कि वो ये गर्व के साथ कह सके कि उनके विधायकों ने 5 साल उनके विधानसभा क्षेत्रों में विकास के कार्य पूर्ण किए हैं जिसके आधार पर वो उनको अगले चुनाव में टिकट देने वाले हैं? ये कह सकती है भारतीय जनता पार्टी? कहे ना, हिम्मत दिखाए। हमने तो कहा है, हमने ये बात कही है, इस बात को भारतीय जनता पार्टी भी कहे ना, और पता चल जाएगा कि हाउस कितना फुल और कितना खाली है। हरिद्वार SSP डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने 3 उपनिरीक्षक और 1 निरीक्षक के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया है। निरीक्षक प्रमोद ओनियाल को पुलिस लाइन से प्रभारी निरीक्षक थाना सिडकुल भेजा गया है। इसके साथ ही पुलिस लाइन से आए उपनिरीक्षक विनोद थपलियाल को झबरेड़ा थाना अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं थाना अध्यक्ष झबरेड़ा रविन्द्र कुमार को पथरी थाने की कमान सौंपी गई है, जबकि पथरी थाना अध्यक्ष दीपक कठैत को कनखल थाने की कमान सौंप दी गई है। खबर सितारगंज से है, जहां राज्य आंदोलनकारी फकीर सिंह कन्याल ने शक्ति फार्म क्षेत्र में हो रही विद्युत समस्याओं के समाधान के लिए विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा। राज्य आंदोलनकारी ने बिजली के बिलों में हो रही अनियमितताओं को दुरुस्त करने के साथ शक्ति फार्म क्षेत्र में विद्युत उपखंड बनाए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि विद्युत विभाग की छोटी छोटी परेशानियों के लिए शक्ति फार्म वासियों को सितारगंज आना पड़ता है, जिससे मजदूर वर्ग के लोगों को काफी आर्थिक परेशानियां होती हैं। अगर शक्ति फार्म क्षेत्र में विद्युत उपखंड कार्यालय बनता है तो जनता की कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बिजली के लो वोल्टेज व अनियमित बिजली के बिलों से परेशान है, जिसका बिजली का बिल 150-200-300 रुपए महीना आना चाहिए, उसका 32-32 हज़ार महीना भेज दिया गया है। जो सरकार के अधिकारी कर्मचारी हैं वो इसी ऑफिस में रहते हैं, वो फील्ड में 2-4 चेले चपाटे पाल रखे हैं, जो कि सही काम को नहीं जानते हैं। वो ट्रेंड आदमी नहीं है, वो आदमी आज तक कभी भी किसी विभाग में कोई भी डिप्लोमा डिग्री लेके नहीं आया है, लेकिन वो आदमी आज वहाँ विभाग संभाल रहा है, जो आदमी इस विभाग के तकनीकी रूप से जीरो है। केदारनाथ धाम की यात्रा करने के लिए बिना ई पास के पहुंच रहे यात्रियों को प्रशासन और पुलिस की ओर से बिना यात्रा कराए ही बेरंग वापस लौटाया जा रहा है। ऐसे में यात्रियों को मायूस होना पड़ रहा है। अभी तक बिना ई पास के आए 684 और गलत ई पास के 35 यात्री यानी कि कुल 719 तीर्थ यात्रियों को अलग अलग बैरियरों से वापस लौटाया गया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के निर्णय के बाद 18 सितंबर से उत्तराखंड की चारधाम यात्रा शुरू हुई है और उत्तराखंड शासन द्वारा जारी SOP और देवस्थानम बोर्ड द्वारा निर्धारित ई पास के अनुरूप ही
केदारनाथ यात्रा का संचालन किया जा रहा है। केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए एक दिन में अधिकतम 800 श्रद्धालुओं को ही दर्शन करने की अनुमति है। यात्री बिना ई पास के ही केदारनाथ धाम पर आ रहे हैं। जिनके जनपद रुद्रप्रयाग पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान बैरियरों से वापस भी किया जा रहा है। दर्शन कर सकते हैं। उसी क्रम में तो शासन की तरफ से एसओपी जारी हुई है, इसमें सभी लोगों को ई पास बनाने के लिए कहा जा रहा है। बिना ई पास के दर्शन की अनुमति नहीं है। तो पिछले 5-6 दिनों में लगभग 700 लोग ऐसे आए थे जिनके पास ई पास नहीं थे, तो उनको समझाकर और उनको गाइडेंस कर देकर वापस कर दिया गया था। तो ये है कि जब माननीय हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि पर डे 800 पीपल को केदारनाथ जी के दर्शन के लिए भेजना है, ठीक है, एक्सेप्ट इट, बट जो 800 लोग घर बैठे बैठे बुक करवाते हैं अपनी यात्रा, वो 800 लोग में से 400 या 500 लोग भी नहीं आते नहीं है यहाँ पे। जैसे कि हमें प्रशासन ने बताया कि वहाँ 800 लोग पूरे नहीं आते, कम से कम 400 या 500 लोग आते हैं, और दूसरे जो 300-400 लोग हैं वैसे ही बुकिंग करवा के अपने घर पे बैठ जाते हैं, और जिसने जो वाकई केदारनाथ जी के दर्शन के लिए यहाँ पे आए हुए हैं वो दर्शन नहीं कर पाते। सर 4 दिन हो गए हमें चलते हुए, उसके बावजूद भी हमें यहाँ दर्शन नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं पास है हमारे पास, लेकिन ये बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, बोले 1 महीने के लिए होगा। अभी अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो या तो फर्स्ट में रोकिए आप, अभी फर्स्ट में नहीं रोकते यहाँ से भी जाने दीजिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना, और बेटा यमला पगला दीवाना, दोनों के अलग है रंग पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। जातीय जनगणना पर सियासी तकरार, बीजेपी ने खड़े किए हां बीएसपी का प्रहार, सहयोगी भी उठा रहे हैं सवाल। जातीय जनगणना संभव नहीं, देखिए आज का मुद्दा रात 8 बजे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर पालिका परिषद के 13 सभासदों ने कमिश्नर को सामूहिक रूप से अपने पदों से त्याग पत्र सौंप दिया है। नगर पालिका सभासदों का आरोप है कि नगर पालिका में अवैध कार्यों के संबंध में की गई शिकायतों पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, और इस संबंध में अधिकारियों की ओर से समाधान करने के बजाय तथ्यों को छिपाने की चेष्टा की जाती है। भ्रष्टाचार चरम पर है। सभासदों के वार्डों में विकास कार्यों के लिए कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जा रही है, जिससे पालिका अंतर्गत जनहित के कार्यों में प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ रहा है। बड़ा दुर्भाग्य कि इस नैनीताल नगर पालिका ने एक हमको ऐसा चेयरमैन और एक ऐसा यू यहाँ पर दिया है जो नैनीताल हितों को छोड़ के अपने हितों को देख के ज़्यादा काम कर रहे हैं। इसलिए आज सारे मेंबर जितने यहाँ पे हैं बड़े दुखी हैं, क्योंकि उनके वार्ड में कहीं से कहीं तक का कोई कार्य नहीं हो रहा है और उनकी लेटरें यहाँ पर धरी की धरी रह जा रही हैं। इसलिए सारे मेंबरों ने मिलकर एकमत होकर ये निर्णय लिया है कि हम इसमें इस्तीफा देंगे, क्योंकि अभी कमिश्नर साहब से भी बात हुई है, कमिश्नर साहब के पास इस्तीफा पहुँच चुका है। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के आदर्श नगर में देर रात 3 चोर गली में घूम रहे एक गाय को स्कॉर्पियो गाड़ी में डालकर ले गए। चोरों ने गाय को चोरी करने की एक घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई, जिसमें चोर पहले तो गाय को कुछ खिलाने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं और फिर गाय को पकड़कर स्कॉर्पियो गाड़ी में डालकर फरार हो जाते हैं। रुड़की क्षेत्र में गाय चोरों का आतंक लगातार बना हुआ है। क्षेत्र के पार्षद सचिन कश्यप का यह कहना है कि इस तरह की घटना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पुलिस को तहरीर देकर चोरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी।
आजादी के 75वीं वर्ष गांठ के शुभ अवसर पर 31 अक्टूबर तक आजादी के अमृत महोत्सव का नैनीताल के डीएसए मैदान में शुभारंभ किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य स्वास्थ्य, स्वच्छ और समृद्ध भारत का संदेश लोगों तक पहुंचाना है। इस महोत्सव में हमारे बहादुर और जांबाज और वीर सैनिकों और उसके साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के साथ साथ उन्हें सम्मानित भी किया गया। इस मुहिम का उद्देश्य प्रगतिशील भारतवर्ष के गौरवमय इतिहास, संस्कृति और उपलब्धियों से लोगों को परिचित कराया गया है। अमृत महोत्सव के दौरान सेना के जवानों ने विभिन्न रंगारंग कार्यक्रमों के साथ ही साहसिक कर्तव्यों से लोगों का मन मोह लिया और सेना के साथ जवानों के साथ साथ कुमाऊं क्षेत्र के स्थानीय नागरिकों ने भी इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पोंगो ब्रिगेड का एक कमांडिंग ऑफिसर 14 डोगरा, आज़ादी के 75 सालों को मनाने के लिए हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव में स्वस्थ, स्वच्छ और समृद्ध भारत महोत्सव की थीम पर आज का प्रोग्राम नैनीताल में एज अ कर्टन रेजर ऑर्गेनाइज किया था। यहाँ पर हम भारतीय सेना द्वारा किए जा रहे भारत के लिए, भारत की प्रगति के लिए जो सहयोग दे रहे हैं उसके बारे में पूरी जनता को अवगत कराने के लिए ये प्रोग्राम नैनीताल के डीएसए स्टेडियम में ऑर्गेनाइज किया था। इस प्रोग्राम को एक महीने तक चलाया जाएगा। लक्सर एसडीएम ने बीईओ के साथ अकबरपुर ऊद के प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्कूल और केजीबीवी हॉस्टल का निरीक्षण किया। उच्च प्राथमिक स्कूल में बच्ची की ज्यादा उपस्थिति पर उन्होंने एक दिन छोड़कर आधे बच्चों को बुलाने के निर्देश दिए हैं। हॉस्टल में खाने की गुणवत्ता ठीक न मिलने पर वार्डन का स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। कुछ शर्तें रखी गई हैं जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं बच्चों से, मास्क के रिमूव करने और साथ ही ऑनलाइन टीचिंग की भी व्यवस्था की जाए, किसी भी छात्र को मतलब वो ना किया जाए, उसको की बाध्य ना किया जाए कि ऑफलाइन क्लास भी करें। इस संबंध में जो है कल निरीक्षण किया गया अकबर खुर्द में, वहाँ पर जूनियर हाई स्कूल और प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया गया, साथ ही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का भी निरीक्षण किया गया। तो इसमें काफ़ी सारे बच्चे एक ही जगह पर एक ही छोटे कमरे में पाए गए और एक ही बेंच पर चार चार बच्चे बैठे गए थे। इस संबंध में संबंधित बताना चाह रहे हैं, उनको नोटिस भी दिया जा रहा है। प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री और राज्य आंदोलनकारी दिवाकर भट्ट की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में दिवाकर भट्ट को गंभीर चोटें आई हैं। प्रशासन ने पूर्व राजस्व मंत्री को एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स भेजा है। बताया जा रहा है कि दिवाकर भट्ट की स्कॉर्पियो का टायर पंत गांव देवप्रयाग में फट गया, जिसके कारण ये दुर्घटना घटित हुई। जानकारी के अनुसार दिवाकर भट्ट अपने 3 साथियों के साथ हरिद्वार से कीर्ति नगर आ रहे थे और उसी समय यह हादसा हुआ। इस ब्रेक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना, दोनों के अलग है रंग पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। जातीय जनगणना पर सियासी तकरार, बीजेपी ने खड़े किए हां बीएसपी का प्रहार, सहयोगी भी उठा रहे हैं सवाल। जातीय जनगणना संभव नहीं, देखिए आज का मुद्दा रात 8 बजे। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 2022 में विधानसभा चुनाव है,
चुनाव से पहले उत्तराखंड सरकार ने सभी वादों को पूरा करने के लिए पूरे जोर से कोशिश चल रही है। गदरपुर विधानसभा के विधायक और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के विधानसभा क्षेत्र दिनेशपुर नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 9 में लगभग 1.5 किलोमीटर रोड को जो खस्ताहाल रोड थी उस रोड को लेकर स्थानीय लोगों ने कई बार क्षेत्रीय विधायक और उत्तराखंड के खेल मंत्री अरविंद पांडे के पास जाकर गुहार लगाई और इसके बाद भी रोड अभी तक नहीं बन पाई है। इस बात से नाराज क्षेत्रवासियों ने आगामी चुनाव में देखने की बात की है। रुक जाओ, वो हाथ लो। जब से बना है तब से ये हॉटमिक्स से बना है और इसमें जो है भारी वाहन चलते हैं इसमें, और ये सुंदरपुर का जो है मेन मार्ग है और बाईपास भी है। इसमें बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं 400-500 कुंटल लेके माल, लेकिन जैसे रोड बन रही है ये तो महीने भर भी नहीं टिकेगी, इसलिए लोग चाह रहे कि हॉट मिक्स से ही रोड बने ताकि ना बने ना। इतनी रुकावट है कि वे रोड हमारे चलने बहुत परेशानी हो रहा है। यह कम से कम 10 गाँव का बहुत सारे लोग चलते हैं और 10 साल से रास्ते ऐसे ख़राब चल रहे हैं। हम बहुत बार निवेदन किया लेकिन कोई देखने भी नहीं आता। चलो इस साल आया कुछ जुगाड़, लेकिन हम कहें कि हमारा हॉट मिक्स होना चाहिए। और मंत्री जी एवं चेयरमैन साहब आश्वासन दिया कि यहाँ के गांव के लोग बहुत सारे लोग उनके पास गए, आश्वासन दिया कि तुम्हारा हॉट मिक्स ही बनेगा। एक बने दो बार आश्वासन दिया। आश्वासन देने के बाद अब देखा अचानक जो टुकरी वाली रोड है वो बनाने के लोग आ गए। ये रोड हमें चाहिए नहीं। श्रीनगर में जंगली जानवरों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस क्षेत्र में आए दिन कोई ना कोई व्यक्ति घायल हो जाता है। सूचना के मुताबिक पहली गंगा दर्शन मार्ग पर घास काटने गई महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया और उसके साथ घास काटने गई महिलाओं ने हल्ला कर गुलदार को वहां से भगाया और घायल को अस्पताल पहुंचाया। महिला का इलाज संयुक्त अस्पताल में चल रहा है। घटनाक्रम के अनुसार उफलड़ा निवासी एक महिला अपने साथियों के साथ घास काटने गंगा दर्शन की तरफ गई थी, जहां उसके साथ ये हादसा हुआ। चाहेगा कोई मतलब कुछ बुरा हो तो अच्छा डिपार्टमेंट के लिए परेशानी होती है, तो डिपार्टमेंट तो तभी नहीं चाहता है सफल। डिपार्टमेंट की गलती क्या होती है मतलब, तो अब गुलदार ज़्यादा हो गई, जगह जगह झटाई हो ही रही। तो कोई बोल रहा कि इधर हमने देखा, कोई बोला उधर हमने देखा, कोई वहाँ सिरपुर में बोल रहा, कोई उधर बोल रहा। आप लोगों ने अब क्या कहा है, अब क्या श्रीनगर में यहाँ मतलब ये पार्षद भी वार्ड नंबर 1 के पार्षद अभी उन्होंने जो है वहाँ भी हम पिलर लगाने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब पूरा माहौल बना हुआ है वहाँ पे, जो है जिनका रोजमर्रा का काम है घास लाना है, महिलाओं का है, शाम को बुजुर्ग लोग जाते हैं, बच्चे जाते हैं घूमने, वहाँ पार्क है, इसलिए जो है वहाँ पे हम ये चाहते हैं कि उसे उस बार को पिंजरा लगाया जाए तुरंत और उसको पकड़ा जाए या ले जाए। लेडीज घास के लिए जा रहे थे जंगल, हम नीचे सड़क के नीचे गए, वहाँ हमको कुछ घास काटा, थोड़ी देर में ही उसने इस पे अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद हम लोगों ने शोरगुल मचाया, सारी 10-12 लेडीज जो भी थी, शोरगुल मचाने के बाद तब भागा वो, अगर हम लोग ना होते उसके हाथ जान में बचती। तो वन विभाग वालों को क्या कब बताया था आपने? वन विभाग वाले तो अब आ रहे हैं। कितने बजे की घटना है ये? 11:15 बजे की, 11:15-11:30 फोन तो हमारे पास नहीं जाता है। अभी सुबह खबर हरिद्वार से, जहां थाना अध्यक्ष पथरी का तबादला होते ही खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हो गए। वहीं रातों रात खनन माफियाओं ने भारी संख्या में खेतों की उपजाऊ भूमि को बर्बाद कर दिया है। खनन पूरी रात बड़े स्तर पर लोडर और मशीनों से किया जा रहा है। वहीं सूचना के मुताबिक अवैध खनन सामग्री को आसपास के स्टोन क्रशर में ठिकाने पर लगाया जा रहा है और इस तरह से सभी कार्य स्टोन क्रशर स्वामियों की मिलीभगत से हो रहे हैं। और फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिएगा के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
देवभूमि उत्तराखंड के निवासियों के लिए रोजगार के साथ साथ प्रदेश की तरक्की में भागीदार बनने का सुनहरा अवसर। प्रदेश में पर्यटन और स्वरोजगार को